तो हेलो गाइस यार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं बताऊंगा प्याजो पेट्रोल ऑटो का फ्यूल पंप है और कैसे साफ करना है आपको गाड़ी। बाई चांस मिसिंग करते चलते गाड़ी खड्डे में पड़ती है आपकी, तो गाड़ी बंद हो जाती है चलते चलते, तो फ्यूल पंप का इशू होता है। तो फ्यूल पंप कैसे साफ करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। गाड़ी अगर मिसिंग करती है तो, या फिर गाड़ी में गलती से डीजल डालते हो, कैसे चेक करें आप लोग कि फ्यूल पंप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको सर इस गाड़ी में वीडियो में, तो आप देख सकते हैं फ्यूल पंप है आपका। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पाइप खोलनी है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये पाइप खुल चुकी है। और पाइप खोलने का क्या तरीका है, आपको इस साइड और इस साइड ये दोनों पुश बटन दिखाई दे, इन दोनों को दबा के फिर पाइप को ऐसे पकड़े आपने पीछे खींचना, ठीक है? तब आपकी ये पाइप खुल जाएगी, यहाँ से लॉक अनलॉक हो जाएगी। और फिर आपने क्या करना है, चाबी ऑन करनी है आगे से। जैसे मैं अभी चाबी ऑन करता हूँ तो आप पीछे देख सकते हो फ्यूल पंप चाबी ऑन करने से फ्यूल पंप तेल आ रहा कि नहीं आ रहा। देखिए अगर ऐसे तेल आता है फ्यूल पंप में, सर फ्यूल पंप काम कर रहे हैं, और बाई चांस कभी डीजल डालो तो ऐसे फ्यूल पंप में तेल जो आता है हम निकाल के चेक कर सकते हैं। फ्यूल पंप में डीजल है या पेट्रोल है हम खुद ऐसे चेक कर सकते हैं। और अगर फ्यूल पंप को स्टैंडर साफ करना है, अगर गलती मिसिंग होती है या गाड़ी आपकी चलती जाती है या गाड़ी खड्डे में पड़ती है, गाड़ी बंद हो जाती है, उसका प्रॉब्लम क्या होती है, ये फ्यूल पंप होता है स्टैंडर इसके नीचे लगा होता है। तो मैं अभी ये फ्यूल पंप खोलूँगा इसे, तो पूरा निकाल के आपको बताऊँगा स्टैंडर इसका कैसे साफ करना होता है, इसकी जाली होती है। तो ये देख सकते हैं आप इस साइड अभी लॉक लगा एक, हाँ फ्यूल पंप के साथ जो आपके साथ देख सकते हो आप, ये तार लगी हुई है। तो तार को आपने खोलना है, सबसे पहले इसे नीचे पुश करके दबाना है, फिर पीछे खींचना है। यह खुल गया, ये देख सकते हो आप, इन्हें पुश बटन लगा हुआ है, इसे पुश करना आपने, दबा के खींच लेना है। फिर आप मैं करता हूँ फ्यूल पंप के नट खोलता हूँ सारे, ऐसे मैं लूज़ करके सारे नट रखे हुए हैं, तो खोल लूँगा एक एक करके। मैंने पहले खोल कर लिए थे नट, सारे लूज़ कर दिए थे कि आपकी वीडियो जल्दी बन जाती, लंबी वीडियो ना बने। तो ये आपने देखा स्टैंडर खोल लेना इसका, ऊपर से पावर खोल लेना इसकी। ये आपका आ गया फ्यूल पंप, देख सकते हो, निकालना बड़े आराम से। इसका स्टैंडर लगा होता है, जो जाली जो होती है इसका, तो ये स्टैंडर होता है, इसके अंदर नहीं गिरना चाहिए। और ये देख सकते हो कैसे काला पेट्रोल आ रहा है इसके अंदर से, और ये साइडों में जो काली काली पूरी काली हो चुकी जाली इसकी, और जो गंद कितना जमा होता है इसके, आप देख सकते हो काला काला हो चुका पूरे बीच में, लगा तो मिट्टी आई थी इसके बीच में, हमें साफ करनी होती है। तो आपने क्या करना, इसे एक लॉक होता है इसका, ये देख सकते हो इन इसका लॉक होता है, इसे आपने ऐसे स्टैंडर घुमाना और ऐसे खींच के निकाल देना, ये लॉक होता है। और इसके देखो स्टैंडर के अंदर कितनी मिट्टी गई हुई है, जिसकी वजह से आपका इंजेक्टर अंदर कचरा जाता है, कचरा जाने की वजह से इंजेक्टर आपका जाम हो जाता है, तो इसी वजह से आपकी गाड़ी मिसिंग करती है। तो आपको इसे साफ करना है पूरा, साफ करने के लिए जाना आपको थोड़ा पेट्रोल निकालना है एक बिन के अंदर। वैसे स्टैंडर अभी समझे साफ करेंगे, पेट्रोल मैं निकाली हूँ साफ पेट्रोल, आप देख सकते हो यहाँ पे ये साफ पेट्रोल है मेरे पास। अब इसे धोंगा मैं अच्छे से, इसे आपने निकाल के पेट्रोल में धोना है। आपको वैसे अगर कोई एयर गन हो जाए, कंप्रेशर वगैरह हो, उसे हवा मार के आप साफ कर सकते हो इसे। तो फिलहाल मैं ऐसे जो दिखा रहा हूँ, कहीं बाई चांस रास्ते में कहीं ख़राब हो जाए गाड़ी, तो कैसे पंप चेक करना है, साफ करना है, गलती है डीजल डाल तब भी ऐसे निकाल के साफ करना है आपने। और डीजल सारा निकालना है, नीचे नेट लगा होता है इसका। देख सकते हो पूरा साफ हो रहा है, काले से भी वाइट हो रहा है, ऐसे दो तीन बार आप साफ करते रहना, छेद पूरा वाइट बन जाए, जैसे जब तक मतलब पूरा साफ पेट्रोल निकलेगा तब तक धोते रहना आपने, ठीक है? धोने के बाद आपने वापस फिक्स करने से, स्टैंडर भी साफ हो चुका है, हम वापस लॉक करेंगे इसे। ये जो लॉक है इसके इसके नीचे फंसना चाहिए, ध्यान से देख लेना, ये जो लॉक है आपका ये फंसाया है अंदर, फिर घुमा देना स्टैंडर को आपने, ये लॉक हो गया अंदर, देख सकते हो आप।
भगवाना। इसका सबसे पहले जो है ना, कभी टंकी फुल करते हैं लो की जो रिंग होती है ध्यान रखना रिंग का, ताकि खुलना जाए वरना टंकी आपकी लीक होती रहेगी हमेशा। ये सब सारा रिंग को इधर ये देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से फंसाना आपने, रिंग नहीं तो आपकी बाहर आएगी पूरी पूरी। आने का बॉक्स फिट कर देना इसे, और जैसे खोला सेम वैसे फिट कर देना आपने। इस साइड को कन रखे, इसके ऊपर दो कट बने होते हैं, एक और ये दो कट, इन दोनों कटर ध्यान रखना। ये जो साइड पे जो प्लास्टिक के कट बने होते हैं इसके ऊपर ही, तो इनके ऊपर भी कट फंसा देना आपने। जैसे देखो मैं कट फंसा दिया एक साइड, अभी दूसरा कट फंसा रहा हूँ। अब आपने यार नट टाइट कर देने सारे, तो ये नट आ गए, नट हम टाइट करने, 8 नंबर के जो नट है सारे फोन टाइट रखो। और सीधा ही गड्ढा कर दिया, देखते हैं अब 8 नंबर के मार्शल आर्ट जो टाइट हो चुके हैं। अच्छे से टाइट हो गया हमारे नट 8 नंबर की जो है, 8 नंबर पाने से हम नट टाइट कर दिए सारे। तभी यह क्लंप जो हमने लगा दें वापसी से, तो क्लंप हम लगाएंगे वापस टाइट कर दिया, लग गया कम। अभी हम आगे जाके चाबी होंगे के देखेंगे फ्यूल पाइप से तेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो ये मैं जैसे चाबी होंगी, पहले थोड़ा काला डीजल पेट्रोल आया, फिर काला थोड़ा साफ हो गया बिल्कुल पेट्रोल, पहले काला 2-3 बार आया उसके बाद साफ पेट्रोल आ गया। तो ऐसे ही मतलब जो कचरा होगा मोटर के अंदर बिल्कुल साफ हो गया, बाहर आ चुका है स्टैंडर्ड के साथ। जो मोटर में कचरा फंसा था जो कालिश होती है उसकी जमी होती है, और पूरी जैसे हमने चाबी होगी तो काला तेल के साथ बिल्कुल बाहर आ गई है, बिल्कुल जो साफ तेल आया इसका मतलब हमारा पंप बिल्कुल ठीक हो गया है, काम कर रहा है। तो हम वापस पाइप फिट करेंगे, तो पाइप फिट करने के कुछ नहीं करना आपने, इसे लगा के आगे को पुश करना चाहिए आपने, ऐसे हाथ रखना होगी माई पाइप लॉक। आप खींच सकते हैं पाइप बाहर नहीं आएगी आपको, देखो पाइप लॉक हो चुकी है। तो आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, चल गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, फिर चाबी ऑन करनी है। सबसे पहले हमने चाबी ऑन करनी है, चाबी ऑन पंप की मोटर ने काम किया थोड़ा सा, फिर आपने चाबी बंद करनी, फिर चाबी ऑन करनी है ताकि फ्यूल पाइप के अंदर जो एयर है बन जाए, वो जो खत्म हो जाए मतलब तेल चल जाए पाइप के अंदर पूरा। तो मैं सेल मारूंगा अभी कई दिमागे, देखो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है आपकी, तो कोई मतलब कोई मिसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल रेंज गाइस स्टार्ट होगी इससे पंप से। और अगर आपकी गाड़ी ऐसे मिसिंग करती है तो आप पंप साफ कर सकते हैं ऐसे बिल्कुल जैसे मैंने किया। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा।